नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। क्लास 12 का चैप्टर 14 है और ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पार्टीशन में जो पॉलिटिक्स के कुछ पहलू हैं, कुछ मेमोरीज हैं और कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पार्टीशन अपरूटेड मिलियंस, ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू रिफ्यूजीज, फोर्सिंग देम टू बिगिन लाइफ फ्रॉम स्क्रैच इन न्यू लैंड्स। तो ये सब लोगों के एक्सपीरियंस हम इस चैप्टर में महसूस करेंगे। पूरे चैप्टर की टाइमलाइन हम पहले देखने वाले हैं, ताकि पूरे चैप्टर में बाकी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ मेन ये दो चार चीज़ें हैं समझने वाली, बाकी सब कहानियाँ हैं। तो 1930 में सबसे पहले, अब पार्टीशन की बात हो रही है तो पाकिस्तान और इंडिया, ये जो पार्टीशन है इसकी बात कर रहे हैं। तो 1930 में जो सबसे पहले आइडिया उर्दू पोइट मोहम्मद इकबाल ने इस बारे में कहा था, लेकिन वो आइडिया उनका सेपरेट नेशन का नहीं था, एक सेपरेट स्टेट विद इन द सेम नेशन, मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट हो जहाँ पर वो अपने हक की अलग से बात कर सके और इकट्ठे रह सके। तो ये आइडिया था जो उर्दू पोइट मोहम्मद इकबाल ने दिया था, नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में बंगाल की तरफ और नॉर्थ वेस्ट में पंजाब और वहाँ की तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे, इसलिए उनको लगता था कि हमें अलग से एक स्टेट मिल जाना चाहिए जहाँ पर हम अपने तरीके से अपने हितों की रक्षा खुद कर सकें। विद इन अ सिंगल लूज इंडियन फेडरेशन, मतलब एक ही इंडियन नेशन के अंदर ही हम अलग अलग स्टेट के बारे में उन्होंने अपना आइडिया रखा था। द नेम पाकिस्तान 1933 में, फिर जो ये पाकिस्तान है कि जो ये स्टेट का या फिर एक अलग फेडरेशन है, इसका नाम उन्होंने सोचा था पाकिस्तान, कि यहाँ पर हम लोग अलग से रह सकते हैं, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान जो वर्ड है, ये पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट कैम्ब्रिज में थे, चौधरी रहमत अली, उस समय इनका आइडिया किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था, तो ये पाकिस्तान नाम इन्होंने रखा था सबसे पहले। 1937 और 39 में कांग्रेस इलेक्शंस हुए थे, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज केम टू पावर इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 11 में से 8 या 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई थी। इसमें थी मुस्लिम को बहुत, मतलब मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी मुस्लिम सीटों पर, जो अलग से इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए बनाया गया था उसमें। तो फिर ये समझ में आया था कि जो मुस्लिम लीग है वो सभी मुस्लिमों की बात सामने नहीं रखती है, वो जो आइडिया कर रहे हैं वो सारे मुस्लिम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब तक ये था। पर 1940 के बाद से ही जिन्ना भी इस चीज़ को ज़्यादा फोर्स करने लग गए थे कि अब हमें अपना अलग से नेशन चाहिए। उससे पहले जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने सेपरेट नेशन की बात इतना नहीं की थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर बल ज़्यादा दे रहे थे। द मुस्लिम लीग मूव्स अ रेजोल्यूशन एट लाहौर डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। 40 में मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में, जो कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था, तो लाहौर सेशन में इन्होंने अपने लिए अलग ऑटोनॉमिक स्टेट की मांग की थी कि हम अपने स्टेट को अपने तरीके से चलाएंगे। 1946 में फिर, और उसके बाद इन्होंने सेपरेट नेशन की और अपना रुख अपना लिया था अंग्रेज़ों के बहकावे में आने के बाद। 1946 में फिर इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि कांग्रेस को भी बहुत जनरल जो सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम सीट नहीं, यानी कि अलग उस सीटों पर जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स है, उस पर कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, और जहाँ पर मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट है वहाँ पर मुस्लिम लीग वहाँ पर जीत गई थी। और उसके बाद से ये सामने आया था कि जो मुस्लिम लीग है वो जो कह रही है उसको सभी मुस्लिम, ऑलमोस्ट 85-90% मुस्लिम्स उस बात को स्वीकारते हैं। तो यानी कि अगर मुस्लिम लीग कह रही है हमें सेपरेट नेशन चाहिए, दैट मीन्स 90% मुस्लिम्स ऐसा चाहते हैं कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए। मार्च टू जून द ब्रिटिश कैबिनेट सेंस अ 3 मेंबर कैबिनेट मिशन टू दिल्ली, और
46 में खैर ब्रिटिश लोगों ने ये चीज स्वीकार ली थी कि अब हम इंडिया को आजाद करने जा रहे हैं, तो कैबिनेट मिशन इन्होंने इसीलिए भेजा था कि अब बैठकर बातचीत होने वाली है इनके बीच में, कि उन्होंने सेपरेट नेशन चाहिए या फिर एक ही जगह पर कैसे उनको अपना इंडिपेंडेंट नेशन है, किस तरीके से उसका पूरा फॉर्मेट चाहिए, उसके लिए कैबिनेट मिशन आया था दिल्ली। ठीक है, अगस्त में मुस्लिम लीग ने फिर डायरेक्ट एक्शन के लिए अनाउंस कर दिया था कि अब हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, इसलिए कि अगर आप, ताकि लोगों को या फिर नेशन को या फिर कांग्रेस को ये दिमाग में बैठ जाए कि अगर हमको तुमने हमारी पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकार नहीं किया तो तुम हमें हल्के में मत लो, हम सब जगह दंगे मचा देंगे। और मुस्लिम लीग के कहने पर सारे मुसलमान ने बंगाल में दंगे शुरू कर दिए थे, मारकाट शुरू की थी, वो था डायरेक्ट एक्शन डे जो बंगाल में हुआ था और पूरे आने वाले फिर समय में पूरे साल चलता रहा था और धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट बाकी इंडियन स्टेट में भी फैल गया था। 16 अगस्त वायलेंस ब्रेक्स आउट बिटवीन हिंदू सिख्स एंड मुस्लिम्स इन कलकत्ता, ये 16 अगस्त 1946 का ही है, एग्जैक्ट 8 साल पहले ये डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ था और सिख मुस्लिम और कलकत्ता के इसमें बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, बहुत ज्यादा दंगे शुरू हो गए थे। तो ये जो 1947 में आजादी के समय पर दंगा हुआ था ये उस तुरंत नहीं हुआ था, ये छोटे मोटे ऐसे दंगे पूरे 1 साल से, पिछले 1 साल से जब से डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया था तब से चलते आ रहे थे। तो मार्च फिर 1947 अगले साल में कांग्रेस हाई कमांड वोट्स फॉर डिवाइडिंग पंजाब, उसके बाद कांग्रेस भी इस चीज को राजी हो गई थी कि अब दंगे हमें रोकने हैं तो हमें मुस्लिम लीग की सेपरेट नेशन की डिमांड को स्वीकारना पड़ेगा, पार्टीशन हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। तब तक कांग्रेस इस हक में नहीं थे कि हमें देश के टुकड़े करने चाहिए दो, लेकिन तब इन्होंने स्वीकार कर लिया था सिख मेजोरिटी हाउस एंड आस्क फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर प्रिंसिपल टू बंगाल। मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों चीजों को मान लिया था कि अब दोनों ही जगह पर हमें सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन तो कलकत्ता से ही शुरू हुआ था, दंगे वहीं पर सबसे ज्यादा थे बंगाल में। और ब्रिटिश लोगों ने मार्च 1947 से ही इंडिया में क्विट करना शुरू कर दिया था कि भाई अपनी जान अगर बचानी है तो यहाँ से जल्दी भाग लो इससे पहले कि इनके दंगे शुरू हो जाए, और धीरे धीरे करके वहां से निकलना शुरू हो गए थे कि अब तुम चाहे कैसे भी लड़ते मरते रहो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो चले, हमने अनाउंस कर दिया हम तो जा रहे हैं, अब तुम कुछ भी करो। बस वहां पर दो लोग ही रह गए थे इनके बीच में, वायसराय इनके बीच में बस नाम के लिए। 14-15 अगस्त 1947 को फिर पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग देश के रूप में आजाद हो गए थे। महात्मा गांधी उस वक्त ईस्ट बंगाल में, जहाँ पर बहुत ज्यादा मारामारी हो रही थी, नौखली में थे ताकि कम्युनल हार्मनी बना सकें, लड़ाइयाँ ना हो और लोगों की जान ना जाए। और फिर अगले 47 में हम, खैर 1947 में आजादी मिली थी और उसके कुछ ही साल बाद, मतलब 7-8 साल बाद ही, ऐसे तो इंडिया और ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान तीनों के तीनों देश, या फिर खैर ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ये एक ही है, पाकिस्तान और इंडिया, बस इस तरफ अलग पाकिस्तान है, ये बाद में बांग्लादेश 71 में जाके पाकिस्तान से अलग होके ये बांग्लादेश बन गया था। तो ये जो दोनों शुरू में सेक्युलर नेशंस थे, लेकिन पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था 1955 में, और हम आज भी सेक्युलर स्टेट ही हैं, सेक्युलर नेशन ही हैं, और ये सेक्युलर से इस्लामिक स्टेट में चेंज हो गए थे 1955 से। अब पढ़ते हैं थोड़ी सी कहानियां, पार्टीशन पे क्या क्या हुआ था। वायलेंस हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, काफी सारी औरतों का, मतलब गिनती कुछ 40-50 हज़ार की है, लेकिन एक्चुअल गिनती कोई कोई लाखों तक बताता है कि औरतों का रेप हुआ था, उनको उठा के ले गए थे, मारी गई थी, मिलियंस लोग, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, नई घर है। आप खुद जाकर सोचें कि भाई अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं इस समय, वहां से आपको उठाकर फेंक दिया जाए कि भाई अभी हमको यहाँ पर इसी समय यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा वरना मर जाएंगे, तो आप कितना सामान, क्या क्या सोचें कि आप क्या क्या चीज उठाकर भागेंगे और क्या क्या इनके लोगों को अपने साथ लेकर भागेंगे, अपनी औरतों को कैसे बचाएंगे कि उन पर कोई जुल्म ना हो, और कहीं भी बस को पता नहीं है कहाँ जाकर हमको शांति मिलेगी, कहाँ हम रिफ्यूजी कैंप में कहाँ जाकर पड़ेंगे, या फिर क्या पता दूसरी जगह पर जहाँ पर खाली है किसी की जगह पर हम जाके कब्जा कर पाएंगे, जैसा
हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया में एक्सचेंज हुए थे, तो जो घर छोड़कर भागे थे उनके घर खाली थे, तो उधर से आए लोगों ने यहाँ पर जब भाग कर आए तो उन्होंने कुछ घरों पर कब्जा कर लिया, और जो नहीं कर पाए वो रेफ्यूजीज बनकर रह गए थे। ऐसे तो न्यूमरस पीपल थे जो रेफ्यूजीज बनकर रह गए थे। माइग्रेशन हजारों लोगों का हुआ था इन बॉर्डर के आसपास में, बहुत ज्यादा लोग बेघर हो गए थे, उनकी अपनी प्रॉपर्टी छिन गई थी, बचपन की मेमोरीज जहाँ पर वो खेले थे वो छिन गया था, सेपरेट अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से सेपरेट हो गए थे, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर रहते हैं आपके फूफा मामा पता नहीं किसी दूसरी जगह पर रहते होंगे, सभी को अगर छोड़ना है तो आप कहाँ जा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इकट्ठा लेके कहाँ भाग पाओगे, आपको बस तुरंत भागना है, क्योंकि इंस्टेंट हुआ था तो बस भागना है। कौन आपके साथ हो पाया है, कौन नहीं हो पाया है, किन किन लोगों को आप बचा पाए हैं, क्या क्या संपत्ति आप लेकर, गहने पैसे जवाहरात क्या लेकर भाग पाएंगे, पता नहीं कुछ भी जितना हो पाया उससे। पीपल वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर लोकल एंड रीजनल कल्चर्स, और कई जैसे गांव और जगह जगह के भी थोड़ी थोड़ी, इंडिया है इतना डाइवर्स तो उनका जो लोकल कल्चर भी होता है, जैसे हम हिंदुओं में बहुत ज्यादा होता है कि आपके लोकल देवी देवता या कुल देवता अलग होते हैं, वहाँ का आपके गांव का कल्चर अलग होता है, तो ये रीजनल और लोकल कल्चर से भी लोग उखड़ गए थे पूरी तरह से, और एक अना अनजान सी नई जगह पर जाकर बस बस गए थे, ऐसे ही झुंड के झुंडा के बस गए थे बस। तो ये मेमोरीज थी। फोटोग्राफ्स गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ द वायलेंस ऑफ दैट टाइम। पार्टीशन और हॉलोकॉस्ट, जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने किया था यहूदियों का नरसंहार, वैसे ही यहाँ पर हुआ था आपस में लोगों ने किया था एक दूसरे का, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 की, उसको भी हॉलोकॉस्ट ही बोला जाता है, जिसे लोकल भाषा में कुछ लोग मार्शल लॉ बोल सकते हैं, मारामारी रोला या हुल्लर बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, हॉलोकॉस्ट का मतलब ये होता है। Over 10 million people were uprooted from their homelands and forced to migrate. कितने बेघर हुए, कितने मारे गए, एग्जैक्ट संख्या किसी की नहीं है। और ये बहुत ही फेमस पिक्चर है कि जो ट्रेन जा रही थी इंडिया से पाकिस्तान, मतलब बॉर्डर के अक्रॉस जो हो रही थी, उस पर लोग कैसे ठुस कर बस भाग कर जिनके हाथ में आया था और चले जा रहे थे। कुछ मूवीज भी आपने इनसे रिलेटेड देखी होंगी। टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्टेड अमंग पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन। अब ये क्यों एक दूसरे की जान के प्यासे हुए थे भाई, आप आराम से भी तो बॉर्डर क्रॉस कर मतलब क्रॉस कर सकते थे, रह सकते थे, क्यों हुआ था ऐसा? तो ऑब्वियसली इसकी शुरुआत एक साल पहले हुई थी, मुस्लिम लीग ने ही की थी, और तब से ये दंगे शुरू होते चले गए थे, और उसके बाद जब आया तो लोगों को ये था कि हम जितने से ज्यादा दूसरे धर्म के लोगों को मार सकते हैं अब मार दो, हमारे पास मौका है, मतलब भगा सकते हैं आसपास के, तो उनको भागने से पहले उनको मार दो, और ये हुआ था। और वो ये चीज काफी सदियों से होती आई थी, ये जो माइंडसेट था लोगों का हेट, ये एक साल से नहीं था, ये तो उससे भी पहले से था, मतलब दिमाग में जो धारणाएं थी, स्टेरियोटाइप्स थे, कि हेटर्स ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया एंड हेटर्स ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन मुस्लिम्स आर लॉयल टू पाकिस्तान, कुछ लोगों का मानना है कि जो इंडिया के मुस्लिम हैं वो यहाँ पर रह तो गए हैं, मतलब वो जानबूझकर नहीं रहे, बस कुछ इंटीरियर एरियाज में थे, जैसे जो बॉर्डर के पास रहते थे वो तो भागने में कामयाब हुए या मारे गए, लेकिन जो अंदर की तरफ रहते थे वो अपनी लोकल कम्युनिटी में एक साथ रह रहे थे और नहीं गए यहाँ से, क्योंकि वो झुंड में रह रहे थे एक साथ, तो बच गए और यहीं पर स्टे कर गए, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान की तरफ लॉयल है, ऐसा लोगों का मानना है। अब ये सच है या मानना है वो तो सबकी अलग अलग सोच है। मुस्लिम्स आर क्रूअल बायगॉटेड, कुछ हिंदू हैं मतलब जो मानते हैं कि मुस्लिम्स बहुत क्रूअल होते हैं, गंदे होते हैं, इन्वेट किया है उन्होंने इंडिया को, और बस अपने ही धर्म को प्रचार के बारे में सोचते रहते हैं, काफी रूप काफिर समझ के लोगों को मारते हैं, टेररिस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी सोच है। हिंदूज कंसिडर देमसेल्स एज काइंड, जबकि हिंदू खुद को तो बहुत ही काइंड, प्योर, लिबरल, और जिन पर अत्याचार हुए उनके बच्चे खुद को मानते हैं। आर एम मुर्फी जो जर्नलिस्ट है वो बोलते हैं कि इसी तरह की जो धारणाएं हैं वो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में भी सेम ऐसी है, हिंदुओं के बारे में। पाकिस्तानी लोग फील करते हैं कि मुस्लिम्स तो गोरे चिट्टे होते हैं, बहादुर होते हैं, एक ही उसकी पूजा करते हैं ईश्वर की, मीट ईटर होते हैं, जबकि हिंदू है वो काले होते हैं, कायर होते हैं, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, वेजिटेरियन होते हैं वगैरह वगैरह।
और ये पार्टीशन से पहले के स्टेरियोटाइप्स हैं जो एक दूसरे के ये लोगों के दिमाग में थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने की थ्योरी ने इस चीज को हवा दी थी टू टू सेपरेट नेशन की। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स फ्रॉम मेडिवियल एंड मॉडर्न टाइम्स, मतलब मेडिवियल हिस्ट्री आपने पढ़ी है, मेडिवियल टाइम्स से ही दोनों के बीच में है कि भाई बाहर से आए थे ये लोग मुस्लिम और हम पर इन्वेड किए थे, तभी से अत्याचार कर रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े हैं, हमारे लोगों को मारा है, लोगों को जलाया है, धर्म परिवर्तन करवाया है। तो ये कुछ कहानी ये जो सच्ची है, कोई झूठ तो है नहीं, कहानियां है नहीं, तो इनकी वजह से लोगों के दिमाग में एक इमेज है एक दूसरे के खिलाफ कि हम ये काफिर है इनको मारना है, और या फिर ये लोग हम पर अत्याचार किए हैं, हमारी औरतों पर अत्याचार किए हैं, मंदिर तोड़े हैं, हमारे आदमियों को मारा है, तो इनके साथ हमारी कभी बन ही नहीं सकते, ये लोग ऐसे ही हैं, ये हमारे साथ कभी मिलजुल कर रह नहीं सकते हैं। लेकिन हो भी सकता है कि जैसे बोलते हैं कि भाई कुछ मुसलमान अच्छे होते हैं, कुछ हिंदू अच्छे होते हैं जो मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे की कल्चर का उन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ जो थे जो कन्वर्टेड थे वो अभी भी उसी कल्चर से रिलेट करते थे, और आपस में मिक्स हुए लोगों के साथ अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, म्यूचुअल कल्चर एक्सचेंज, हिस्ट्री ऑफ शेयरिंग ये भी काफ़ी रही है, पीपल्स थिंकिंग इज चेंज बाय सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ लोग हैं जो पास्ट को भुला कर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ पास्ट को नहीं भुला पाते हैं क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने उस चीज को बहुत ज्यादा करीब से महसूस किया हो। पार्टीशन वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ अ कम्युनल पॉलिटिक्स, और ये जो पार्टीशन था ये इस आधार पर नहीं था कि भाई हिंदुओं के लिए मुस्लिम बुरे हैं या मुस्लिम के लिए हिंदू बुरे हैं, क्योंकि आज़ादी के समय पर उन लोग वो लोग एक भी हो गए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। ये जो पार्टीशन था ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा था, पॉलिटिक्स थी पूरी की पूरी खेली गई थी अपनी कुर्सी, एक कुर्सी पाने के लिए सत्ता के लोगों ने देश के टुकड़े किए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और जहाँ की शुरुआत मुस्लिम के दिमाग में सबसे पहले भरी गई थी, इसीलिए मुस्लिम्स ने दंगे पहले शुरू किए थे कि भाई तुम मुस्लिम हो, माइनॉरिटी में हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी, तुम पर अत्याचार होंगे, और ऐसा उनके दिमाग में ठूस ठूस कर ये चीज़ें ब्रिटिश लोगों ने भरी थी कि ये माइनॉरिटी है तो इनके दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा घर करेगी, ये इस चीज़ को जल्दी स्वीकार कर लेंगे, और उनके दिमाग में डाला गया, और सबसे पहला बीच 1909 में इस चीज़ का उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देकर किया गया था। 1919 में उसका दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब अब इलेक्शंस जो है ना प्रोविंशियल कमिटीज हैं, जैसे यहाँ पर स्टेट है, वैसे ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस होते थे, तो प्रोविंस में जो सरकारी लोग हैं वो इंडियन बन सकते थे इलेक्शन के थ्रू, तो इलेक्शंस होने शुरू हो गए थे, तो उसमें क्या था कि भाई मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, क्यों ये कहकर कि भाई तुम जो मुस्लिम्स हो ना तो मुस्लिम का भला तो मुस्लिम ही सोचेगा, ऐसा उनके दिमाग में डाला कि तो इसीलिए तुम्हारे ही मुस्लिम कोई ऊपर, ये जो तुम्हारा एरिया है ना यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही कोई खड़ा हो सकता है, कोई हिंदू या कोई दूसरी जाति का यहाँ पर इलेक्शन के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकता है, कोई मुस्लिम ही नॉमिनेट होगा, वही इलेक्ट होगा और वही तुम्हारी, और उसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं, कोई नॉन मुस्लिम उसको वोट भी नहीं, मतलब अगर जैसे कोई भी प्रोविंस है उसमें अगर 20% हिंदू या फिर कोई नॉन मुस्लिम है तो उनको वोट का भी अधिकार नहीं है, वो नहीं चुन सकते हैं, तो वोट का अधिकार भी मुस्लिम को ही होगा और जो चुनाव चुनाव के लिए खड़ा होगा वो भी मुस्लिम ही होगा उस सीट पर, तो ऐसे इलेक्टोरेट्स ऐसी सीट्स फिक्स कर दी थी कि यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है तो यहाँ पर मुस्लिम का ही चलेगा और वो ही अपने एरिए की भलाई अच्छाई देखेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में सबसे पहले शुरू किया गया था। दिस गिव इंस्पिरेशन फॉर द पॉलिटिशियंस, और ये दिमाग में लोगों के डाला गया और फिर वह इसी तरीके के स्लोगन्स जो अपने जाति से या उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते ऐसे ही स्लोगन्स वो लोग डालते थे। रिलीजियस आइडेंटिटीज दस रिक्वायर्ड अ फंक्शनल यूज विद इन अ मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, और जो कि आज भी होता है, जाति और धर्म के नाम पर पॉलिटिशियंस एक दूसरे को बटवाते हैं कि देखो इसकी पार्टी जो है
जैसे सपोज बीजेपी पार्टी तो सिर्फ हिंदू के लिए करती है, वो नीच जाति वालों के लिए नहीं कर रही है, मुस्लिम के लिए नहीं सोच रही है, किसान के लिए नहीं सोच रही है, हम आपके लिए सोचेंगे, ऐसे बोलने वाले सबसे ज्यादा पाखंडी होते हैं। फिर चाहे वो किसी भी का हो, मतलब बीजेपी हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो नाम अगर पॉलिटिशियन ये ले रहा है कि देखो आपकी जाति के लिए हम ये करने वाले हैं और उस उन लोगों ने ये नहीं किया था, दैट मीन्स वो ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहा है, लोगों को बांट करके अपनी सत्ता पाना चाहता है। और करना क्या है उसने वहां पे, जैसे कि करप्शन करके पैसे ही खाने हैं बस। और इसका लेकिन नुकसान क्या होता है, लोग आपस में बटते हैं और बटते हैं तो फिर दंगे होते हैं, लोग बसों को जलाते हैं, रेल को तोड़ते हैं और सब कुछ होता है फिर ऐसे एक दूसरे की लड़ाई करवा के, और वो अपनी सत्ता पर बैठे रहते हैं। तो जो ऐसा बोलता है उसको सोचो कि ये पाखंडी, और उसको साइड कर देने का। म्यूजिक बिफोर मॉस्क्यूज, कुछ जो स्टीरियोटाइप्स थे उसमें ये भी था कि भाई जैसे अभी भी होता है, आपने पिछले उसमें भी देखा होगा कि भाई राम रथ यात्रा निकल रही है, या फिर राम और हनुमान जयंती के दिन यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव किया कि भाई ये हमारा मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर ये लोग अपना म्यूजिक और ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पांच, उनकी तो 5 टाइम नमाज होती है, यानी कि किसी भी टाइम नमाज ही चलती रहेगी, ये है ऐसा वैसा है। तो वो बोलते हैं कि ये जानबूझ कर करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ये उनके दिमाग में डाला गया है कि हिंदू जानबूझ कर म्यूजिक बजा रहा है। ये पूरा गांव मिलकर जैसे होली मनाता है, दिवाली मनाता है, कोई हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि कोई सेपरेट अपने घर में बैठ के त्योहार नहीं मनाता, मनाते हैं पूरा गांव मिलकर मनाता है, एक साथ मनाता है, धूमधाम से मनाता है, और ये एंशियंट टाइम से है। पर ब्रिटिश लोगों ने मुस्लिम लोगों के दिमाग में मतलब डिवाइड करने के लिए ये डाला, ये डिवाइड हो जाएंगे तो हमारी सत्ता बनी रहेगी, तो उनके दिमाग में डाला कि ये जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारी मॉस्क्यू के सामने जानबूझ कर ये कर रहे हैं। और वो आज भी मुस्लिम लोगों के दिमाग में, आज को प्रेजेंट के पॉलिटिशियंस है, यही डालते हैं कि ये जो हिंदू है ये रथ यात्राएं निकालते हैं, या फिर ये म्यूजिक बजाते हैं, या फिर त्योहार मनाते हैं, ये जानबूझ कर तुमको अपोज करने के लिए कर रहे हैं, जबकि ये एंशियंट कल्चर रहा है इंडिया का हमेशा से ही। इश्यूज ड्यूरिंग द 1920 टू 1930 डिकेड व्हिच ग्रू द टेंशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। 1920 और 30 में क्या टेंशन इनके हुई, म्यूजिक बिफोर मॉस्क्यू, जैसे मुस्लिम इस चीज से भड़क रहे थे, हिंदू भड़क रहे थे काव प्रोटेक्शन, और मतलब काव प्रोटेक्शन क्यों, ये काव को क्यों बचा रहे हैं, जानबूझकर हमको टारगेट करना चाहते हैं कि मुस्लिम मार रहे हैं काव को, तो हमको तो काव को माता मानते हैं, जबकि ये चीज भी ब्रिटिश लोगों ने उनके दिमाग में डाली थी, हिंदुओं के दिमाग में डाली कि देखो ये तुम्हारी गौ माता को जिसको तुम पूजते हो उसको ये काट कर खा रहे हैं, तो मुस्लिम इस चीज से और ज्यादा भड़क गए कि तुम हम पर शक कर रहे हो तो हम तो और ज्यादा काट कर खाएंगे, अब तो बताओ तुम क्या कर लोगे, और ऐसे एक दूसरे के बीच में दिमाग में डाल दिया गया था। तो जबकि ये हिंदू काउ प्रोटेक्शन मुस्लिम को देखकर नहीं कर रहे हैं, काउ को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि पुराने समय से ही हमने वेद पुराणों में देखा कि काउ को मानते ही, गाय को पूजनीय मानते ही आते आए हैं, उसकी पूजा करते हैं, अलग से त्योहार होते हैं तब सारा का सारा ये होता है। तो ऑब्वियसली मांस खाना है तो किसी और चीज का भी तो खा सकते हो, गाय का ही स्पेशली क्यों करना है। द शुद्धि मूवमेंट बाय हिंदू, अब जो कुछ मूवमेंट्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे कि जो पहले कन्वर्टेड जो मुगल के टाइम पे हुआ था, काफी ऐसे थे औरंगजेब टाइप के काफी लोग थे जो जबरदस्ती बिल्कुल जैसे होता तलवार की नोक पर बिठाकर लोगों को कन्वर्ट करवाया गया था। तो जो लोग वापस आना चाहते थे कि हम डर या उसके मारे मुस्लिम तो बन गए थे, लेकिन हमको तो अपना धर्म ही प्यारा है, क्योंकि पीढ़ियों दर पीढ़ियों अभी भी उनके दिमाग में या फिर उनके आसपास के कल्चर में वो चीजें थी। अब भी जैसे कि सपोज वो गाय को पूछते हैं, तुलसी को पूछते हैं, ये कल्चर अभी भी वो समझ रहे थे, तो उनको पता था कि हम हिंदू थे, तो वो वापस हिंदू बनना चाहते हैं, तो मुस्लिम लोग इस चीज से भड़क रहे थे कि ये क्यों शुद्धि मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज जो हिंदू पहले थे उनको हिंदू वापस क्यों बना रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, उनको कोई जबरदस्ती वापस उनको तलवार की नोक पर हिंदू नहीं बनाया जा रहा था जैसे पहले उनको मुस्लिम बनाया गया था, उनकी मर्जी है वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो मुस्लिम को तो हिंदू नहीं बनाया ना,
जो ऑलरेडी पहले हिंदू था उसी को तो हिंदू बना रहे हैं। तो इससे मुस्लिम लोगों को भड़काया गया, इन पॉलिटिशियंस ने ही भड़काया है इन चीजों को, इन लोगों को। हिंदूज वर एंगर्ड बाय द रैपिड, फिर हिंदू लोगों को भड़काया कि देखो ये मुस्लिम है ना, ये जानबूझ के अपनी तबलीग की जमाते और तंजीम वगैरह ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ना, तो तुम्हारे अगेंस्ट में मना रहे हैं ताकि तुम लोगों पर ही आक्रमण बाद में कर सके इकट्ठा होकर, ऐसा करके हिंदू लोगों को भड़काते थे। मिडिल क्लास कॉम्युनल एक्टिविटीज ऐसे बहुत सारे हो गए थे जो आपस में कम्युनिटी को लड़ाते रहते थे अपने फायदे के लिए। ऑन कार्ड्स विद फैमिलीज एंड बिलोंगिंग्स, अब ये पार्टीशन के टाइम है, गांव के गांव, जब ये लग रहा था कि आसपास 6-7 गांव हिंदू के मुस्लिम के हैं, तो हिंदू लोग को लगता कि अब हम तो थोड़े से लोग हैं, हम पर भारी पड़ेंगे, तो इस तरीके से निकल रहे थे एक दूसरे को संभालते हुए, एक साथ एक दूसरे की रक्षा करते हुए। कॉम्युनलिज्म, ये क्या है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स वगैरह, कॉम्युनलिज्म मतलब कम्युनिटी से ही है, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज होती है दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, मतलब हॉस्टाइल ऑपोजिशन कि भाई ये हम हमारे ये कम्युनिटी हमारे लिए खतरा है, तो हमको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा ताकि हम इसको काउंटर अटैक कर सके जब ये हम पर भारी पड़े। तो यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड द रिलीजियस आइडेंटिटी इन हॉस्टाइल ऑपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी, और ये भी मतलब किस बेसिस पर, पॉलिटिकल बेसिस पर, कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, इसका जरिया है पॉलिटिकल फायदा जिन लोगों को होने वाला है, ये ऐसे करते हैं। तो जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहा है उसका मतलब ये होता है। तो ये आसपास यही चीज इसमें दी गई है समझने के लिए, इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखा है, व्हाट इज कॉम्युनलिज्म। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू आवर आइडेंटिटी, यू आर अ गर्ल बॉय, ऑल ऑफ यू आर यंग पर्सन्स बिलोंग टू सर्टेन विलेज वगैरह, ऐसे में एक कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव अ रिलीजन एंड कास्ट एंड मे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, इन अदर वर्ड्स आवर आइडेंटिटीज हैव न्यूमरस फीचर्स, दे आर कॉम्प्लेक्स, दे आर टाइम्स हाउएवर व्हेन पीपल अटैच ग्रेटर सिग्न। ओके, तो कम्युनलिज्म प्रेफर टू पॉलिटिक्स सिक्स यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड रिलीजियस आइडेंटिटी इन हॉस्टाइल ऑपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी। ये फिक्स है कि भाई आप अगर मुस्लिम है तो हमेशा मुस्लिम ही रहेंगे, हिंदू है तो हिंदू ही रहेंगे, या फिर कास्ट के लिए भी हो सकता है सेम ऐसे कि भाई आप नीच जाति हैं तो नीच ही रहेंगे, ऊपर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेंगे, और ऐसा करके एक दूसरे के अगेंस्ट कर लेना पॉलिटिक्स में, जब कि ये पहले नहीं होता था, अगेंस्ट कोई एक दूसरे के नहीं होता था। पीपल टुक विद देम ओनली व्हाट दे कुड फिजिकली कैरी, मतलब जो भी अगर उनके पास समय था एक साथ लेकर अपने कार्ट पर डालकर चलने के लिए, तो जो जरूरत की चीजें थी, खाने पीने का जैसे सामान हो सकता है या गहने पैसे ऐसी चीजें। अपरूटिंग मीन एन इमेंस सेंस ऑफ लॉस, रेप्चर विद द प्लेस दे हैड लिव्ड इन फॉर जनरेशंस, हिंदू महासभा। अब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग एम से बनी थी, जैसे कि कांग्रेस, तो ये भी अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो जरूरी नहीं है कि कॉमनल पॉलिटिक्स ही खेल रही हो, वो अपने दिमाग में तो वो लोग देश की स्वतंत्रता के लिए ही काम कर रहे थे। उसमें से एक थी हिंदू महासभा जो 1915 में बनी थी, वीडी सावरकर उनमें से एक फाउंडर थे इसके। हिंदू पार्टी कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया, ये सिर्फ हिंदू पार्टी ही थी जो नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित थी, हिंदुओं को यूनाइट कर रही थी कि भाई अपनी जाति और जात पात को छोड़ो, ऊंच नीच को छोड़ो, ये चीजें कुछ नहीं होती है, एक साथ इकट्ठे आओ और अपने हक के लिए लड़ो। काउंटर एक्शंस टू द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मुस्लिम ऑर्गेनाइज हो रहे थे ऐसे ये हिंदू लोगों को ऑर्गेनाइज किया था हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग, जैसे कि एक ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन ढाका इन 1906, और ये थी महासभा 1915 में बनी थी, मुस्लिम लीग 1906 में, साल याद रखना। इट वॉज डोमिनेटेड बाई यूपी बेस्ड मुस्लिम अलाइट, ये ज्यादातर जो इसके बड़े लोग थे इस लीग के वो यूपी से ज्यादा बिलोंग करते थे, इसलिए यूपी बेस्ड मुस्लिम अलाइड ऑर्गेनाइजेशन थी। आगा खान इसका एक उनमें से एक फाउंडर था और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट भी था। डिमांडेड सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम ड्यूरिंग 1940s, और 40 के बाद से जो सेपरेट नेशन का डिमांड वो मुस्लिम लीग से ही नहीं शुरू किया था, अलग पाकिस्तान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नागपुर से शुरू हुई थी और बाद में यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब को करते करते या पूरे देश में, और आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस 1930s से शुरू हुई थी, 40s तक आते आते इसके 1 लाख ट्रेन कैडर्स बन गए थे। हिंदू नेशनलिज्म की भावना को
लोगों के अंदर रखते थे बहुत ज्यादा, और बिलीव करते हैं कि इंडिया वॉज द लैंड ऑफ हिंदूज, कि जो इंडिया है वो हिंदूज का ही लैंड है। और जैसा कि आरएसएस के बारे में ये प्रचार किया जाता है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए काम करती है, तो करती है, लेकिन हिंदू दैट डजेंट मीन अ रिलीजियस कम्युनिटी। हिंदू आरएसएस के मैंने काफी सारे ये सुने हैं प्रवचन वगैरह, तो उनमें बोलते हैं कि हिंदू का मतलब कोई कम्युनिटी फिक्स नहीं है, लोग फिक्स नहीं है। हिंदू वो लोग हैं जो हिंदू मतलब सिंध पर्वत के इस तरफ रहने वाले लोग हैं, मतलब यानी ये जो नेशन है यहाँ पर रहते हैं। और जो कोई भी है, कोई भी इंसान जो इस देश के प्रति वफादार है, इसलिए इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं एंड नॉट हिंदू नेशनलिज्म, जैसा कि इस बुक में लिखा गया है। तो ये जो इंडिया के प्रति वफादार है, हिंदुस्तान के प्रति वफादार है, वो हर एक इंसान हिंदू है और उसको हम अपना मानते हैं। फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, वो सिख हो सकता है, वो कृष्ण हो सकता है, वो बुद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, पारसी हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, वो नीच जाति का हो सकता है, उच्च जाति का कुछ भी हो सकता है। प्रायोरिटी इज नेशन फर्स्ट, ये आरएसएस बोलता है कि जो इस नेशन के प्रति वफादार है, मतलब देश पहले है, और अपना जो संप्रदाय है या धर्म जो भी हम चीज पर विश्वास करते हैं वो बाद में है, देश के लिए पहले वफादारी है। तो ये इंडिया है, ये उन लोगों का लैंड है जो नेशन के प्रति वफादार है, और वो सब हम उसको हिंदू ही मानकर उसकी सेवा करेंगे, ये आरएसएस का मानना है। आर्य समाज, द आर्य समाज वॉज अ नॉर्थ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875, जिनका स्लोगन था गो बैक टू वेदास। अब ऑब्वियसली इंग्लिश एजुकेशन आने के बाद से वेद और पुराणों का अध्ययन खत्म हो गया था, बंद हो गया था, और आज भी हम नहीं जानते कि भाई हमारे वेदों और पुराण, और कितने हमारे पुराण हैं, कितने उपवेद हैं, कितने शास्त्र हैं, क्या क्या है, किस में क्या लिखा गया है, कुछ नहीं जानते हैं। बस थोड़ा बहुत ज्ञान हम फेसबुक और उससे पढ़ लेते हैं और हमको लगता है कि इसमें ये लिखा गया है, सिर्फ धर्म की बात है, जबकि एक्चुअली वेद साइंटिफिक नॉलेज है जिसको अंग्रेज चुरा कर ले गए और अच्छा खासा पैसा कमाया उससे। तो ये आर्य समाज उस पर काम करता है कि हमें वापस अपने वेदों की तरफ जाना होगा अगर हमें वेस्ट की तरह प्रोग्रेस करना है, क्योंकि वेस्ट ने जो प्रोग्रेस किया है वो हमारी बेस पे ही किया है, हमारी नॉलेज के बेस पे ही किया था, तो हमें वापस उसी तरफ जाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को ये रिवाइवलिज्म कहते थे, सस्टेन द वैदिक प्रैक्टिसेस, दिस ट्रेंड इज नोन एज रिवाइवलिज्म। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम अगले आने वाली चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ को आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिख सकते हैं मुझे, और लिखिए मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करने का तरीका मेरा कैसा लगता है वो भी मुझे जरूर लिखिए, और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए